हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल मोटो लाइफस्टाइल। तो आज है हमारा डे टू, जिस दिन हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट किया है। ये वीडियो बेसिकली हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले रास्ते के बारे में है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको गाड़ियाँ कहाँ पे पार्क करनी है, कहाँ से आपको बस सर्विस मिलेगी और क्या क्या इंक्लूडेड है। थैंक यू। सॉरी, कल मैं लॉग इन करना भूल गया क्योंकि काफ़ी थका हुआ था। कुछ 11 घंटे लगे हमको बिकॉज ऑफ द रेन्स और रोड जो कंडीशंस है गुजरात में। तो अभी हम बाइक वार्म अप कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग फॉर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सीट एटलीस्ट साफ करते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा ड्यू जमा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आज हम राइडिंग गियर नहीं पहन रहे क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसमें रेनकोट के भी अंदर पानी चला गया, इतनी तेज बारिश थी। तो अभी हम चेक करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मैप। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की राइड। ये राजपीपला से ही ये रास्ता आगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाता है, मतलब राजपीपला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रास्ते में पड़ता है। तो आपको अगर स्टे अकोमोडेशन कोई देखना है तो आप राजपीपला में देख सकते हो क्योंकि यहाँ से एक्सेसिबल है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में अकोमोडेशन के ऑप्शंस काफ़ी कम है। तो गाइस तो फिर मिलते हैं आगे। गाइस अभी ये अच्छा पैच रोड का शुरू हो रहा है, बीच में भी अभी भी पॉटहोल्स है बट एटलीस्ट ये मैनेजेबल है। तो आगे मिलते हैं। एक डायवर्जन था, उस डायवर्जन से अभी हम टुवर्ड्स स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं। रोड काफी खूबसूरत है दोनों तरफ, आप जंगल नहीं बोल सकते हो क्योंकि काफी झाड़ियां हैं और कुछ खेत भी है, बटन काफी खूबसूरत है, प्लीजिंग टू योर आईज। तब आप ऐसे रोड से घंटों तक ट्रेवल कर सकते हो। क्योंकि हमारा पहला स्लॉट है दिन का, आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाते हो तो आपको 2 घंटे का स्लॉट मिलता है जो 8 बजे से शुरू होता है। अभी हमारा जो है वो 8 से 10 के बीच का है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, तो 2-2 घंटे का स्लॉट रहता है। तो हमने पहला स्लॉट लिया, इसीलिए लिया ताकि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी पहले स्लॉट में, लोग यूजुअली लेट उठते हैं तो आगे के स्लॉट्स में काफ़ी भीड़ रहेगी। और सुबह सुबह जो मौसम है वो सुहाना होता है तो मज़ा आएगा।
गाइज एंजॉय द व्यू। मैडम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, थैंक यू। वी आर क्रॉसिंग द नर्मदा रिवर नाउ, देख सकते हैं। ओहो, राइट साइड में आप देख सकते हैं काफी फॉग है, लेकिन आपको एक धुंधली सी इमेज दिखती रहेगी। ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ जी, विजिट के लिए ये है हमारा 8 बजे का स्लॉट है, 8 से 10 का। गाड़ी अलाउड नहीं है, गाड़ी एक किलोमीटर पीछे भारत भवन का पार्किंग। अरे यार, गाड़ी तिथे पार्क करा लगते, एक किलोमीटर भारत भवन का पार्किंग है। वो मतलब सीधा जाना है क्या? सीधा सीधा एक किलोमीटर भारत भवन आएगा। ओके, बस में जाने वाले। ओहो, वहां पे सॉरी सॉरी। तो गाइस याद रखिए, आप अगर आते हो तो आप सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नहीं जा सकते हो। भारत भवन करके जगह है, मतलब बेसिकली ये उनका पार्किंग एरिया है जहां पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, और फिर वहां से जो उनकी बस सर्विसेज है एज इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए, विच इज पार्ट ऑफ द टिकट विच यू पे टू विजिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये इंक्लूडेड है उसमें। अरे यार, रॉन्ग वे से जा रहे हैं, लेकिन अभी करें क्या सर, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो हम जिस कट में से घुसे थे, राइट मारा था, हमको शायद से वहीं से एग्जिट करना पड़ेगा टू रीच टू द पार्किंग। दादा, ये भारत भवन कहाँ पे है? वो वाला सर, वो यहाँ से जाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, वो तंबू से है, वो अंदर। ओके, थैंक यू। सर यहाँ पे थोड़े इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, अभी तक कोई बोर्ड मैंने दिखा नहीं है जहाँ पे जो आपको डायरेक्ट करे भारत भवन के लिए।